जय गुरु जी, जय गुरु। जी जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, और मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का भी बहुत धन्यवाद, और साथ संगत का शुक्राना। आज जो शब्द की व्याख्या है वो शब्द है दयाला राख दयाला। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के 260वें अंग से है जी। पहले मैं इस शब्द को गाने की कोशिश करूंगी और फिर इसकी व्याख्या करूंगी। जो मुझसे गलतियां होंगी मुझे माफ कर देना साथ संगत जी। दयाला राख दयाला, दयाला राख दयाला, दयाला राख दयाला, दयाला राख दयाला, नानक तुम रे बाल गोपाला, नानक तुम रे बाल गोपाला, दया शरण परे की राख दयाला, शरण परे की राख दयाला, नानक तुम रे बाल गोपाला, सस्सा शरण, सस्सा शरण परे अबहारे, सस्सा शरण परे अबहारे, शास्त्र सिमरत वेद पुकारे, शास्त्र सिमर वेद पुकारे, सोदत 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 सोद बिचारा, सोदत सोदत सोद बिचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, नानक तुम रे बाल गोपाला, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, नानक राख बाल गोपाला। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सास सास हम पुलनहारे, सास सास हम पुलनहारे, गोविंद हम ऐसे अपराधी, गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन जिन प्रभ जिया पिंड था दिया, जिन प्रभ जिया पिंड था जी दिया, तिसकी भो भाओ भगत नहीं साधी, तिसकी भाओ भगत नहीं साधी, हम पुल नहारे
हम पूलन हारे, हम पूलन हारे, हम पूलन हारे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, शरण परे की राख दयाला, शरण परे की राख दयाला, नानक तुम रे बाल गोपाला, नानक तुम रे बाल गोपाला, दयाला राख दयाला, दयाला राख दयाला, दयाला राख दयाला, दयाला राख दयाला, नानक तुम रे बाल गोपाला, नानक तुम रे बाल गोपाला, नानक तुम रे राख दयाला, सास शरण परे अबहारे, सास शरण परे अबहारे, नानक तुम रे, नानक तुम रे बाल गोपाला, शरण परे की राख दयाला, नानक तुम रे राख दयाला, दयाला राख दयाला, दयाला राख दयाला। अब मैं इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगी कि हे प्रभु, हे दयाला, हे मेरे गुरुजी, प्लीज मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर तरस करो जी। मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरी लाज रख लो, मुझ पर कृपा कर दो, मुझ पर दया कर दो। मैं एक छोटे से बच्चे की तरह आपके पास आया हूँ, बच्चा समझ के मेरी भूल चूक, मेरी गलतियों को आप क्षमा कर दो जी। मैं इस दुनिया में आया हूँ और मैं आपके चरणों पे आ गया हूँ। मैंने बहुत वेद, स्मृति, शास्त्र सब देख लिए, सब जगह मैंने विचार करके देख लिया, पर अब मुझे इस बात का अब ज्ञान हो गया है कि बिन भजन ना ही छुटकारा, कि बिना भजन के, बिना आपके नाम के, बिना आपकी शरण में आए, बिना आपसे प्यार करे, मेरी कोई गति नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा। और आप ही मेरे आश्रय हो और सहारे हो और असली मेरे सब कुछ हो, और आपके मैं आपका ध्यान करूंगी, मैं आपका नाम लूंगी, आपसे प्यार करूंगी, आपसे जुड़ जाऊंगी, इसी में मेरी गति है, इसी में मैं आगे बढ़ने के कुछ लायक बन सकती हूँ। सास सास हम भूलन हारे, हम इतनी गलतियां करते हैं कि एक एक सांस में हम गलतियां करते हैं, हमारे सोच में, हमारे करने में, हमारी हर चीज में हम गलतियां ही करते रहते हैं। हमारे जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम दिमाग से सोचते हैं, जो हम करते हैं, सब में हम भूल करते हैं, हम गलतियां करते हैं। लेकिन आप बख्शनहार हो, आपको पता है कि हम इतने अपराध करते हैं, हम इतने पाप करते हैं, तो भी हम आपके चरणों में आकर आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभ, जिसने मुझे ये सोल दी है, मुझे ये जी दिया है, और ये पिंड दिया है, ये बॉडी दी है, और ये आत्मा दी है, मुझे सब कुछ तो आपने दे दिया, फिर भी मैं आपको
याद नहीं कर रही थी, फिर भी मैं आपको भूल बैठी थी। और हमने आपसे अपने आप को दूर करके रखा। हम भूलनहार हैं गुरु जी, हम भूलनहार हैं मालिक, हमें माफ कर दो। और हम अज्ञानी हैं और आप समर्थ हैं, आप में सब कुछ, आप सब कुछ देने और करने लायक हैं। आपके आगे तो हम बिल्कुल बेकार हैं और आप हमारी इतनी आपकी एक दया दृष्टि हम पर पड़ जाए, हमारी गति इसमें है। अब हम आपके चरणों में आ गए हैं, आप हमें रख लो, हमारी लाज रख लो। और यही हम विनती कर रहे हैं, हे दयाल दयाला राख दयाला, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं इस दुनिया में आया हूँ और गलतियां का पुतला हूँ, गलतियां करता जाता हूँ, लेकिन अब मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, मुझे छोटा सा बच्चा समझ के माफ कर दीजिए और मेरा हाथ पकड़ के बच्चे की तरह मुझे आगे अब आप ही ले जाएं, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। सो ये जितना मुझे समझ आई उतनी मैंने व्याख्या कर दी। आगे गुरुजी बहुत गलतियां हुई होंगी, बख्श देना और आप ही कृपा कर देना महाराज, मेहर करना जी।